Hi everyone, namaste. So today I'm going to review about Forever 21 makeup brushes, and I'll also do a comparison with the Real Techniques one. So the Forever 21 brushes are available at any Forever 21 store. You'll get it for around 800 or 900 rupees. So these are the Forever 21 brushes, and you can say that these are 6 brushes because the bristles are given on both the sides, and they have also mentioned the name from which you have to use what. So like they have mentioned over here that this is to blend your foundation and this is to blend your concealer, so this is a good thing. पर इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार है, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है आप देखो ऐसे नहीं, पहले ही निकल रहा है. मुझे इसे यूज़ करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. एंड व्हेन यू आर यूजिंग दीज ब्रशेस, सो व्हेन आई वाज अप्लाइंग माय कॉम्पैक्ट विद दिस वन दिस साइड, सो दिस वाज टचिंग ऑन द वॉल, लाइक कि किसी और चीज़ पर भी टच हो सकता है. ये इतना बड़ा है, इतना ये यू कैन सी द लेंथ, सो दिस इज टू बिग एंड इट बिकम्स लिटिल प्रॉब्लमैटिक व्हेन यू आर अप्लाइंग योर मेकअप विद दीज ब्रशेस. द ब्रशेज विच आई हैव इज फॉर द ब्लश एंड face, for foundation and concealer, and to blend and to shade. So I will say that these are not suitable to blend your makeup, because when I was trying to blend my makeup with these brushes, it was giving harsh line on my face. मेकअप ठीक तरीके से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, आपके फेस पे एकदम क्लियरली लाइंस दिखेगी फाउंडेशन की. तो बिल्कुल यूजलेस है ये ब्रशेस खरीदना, बिकॉज यू कैन बाय गुड ब्रशेस एट द सेम प्राइस. यू विल गेट गुड ब्रशेस फ्रॉम जोयामी, यू कैन ट्राई दोज, एंड यू कैन बाय द ब्रशेस फ्रॉम अमेजोन ऑल्सो. आई डोंट नो, आई हैवंट यूज द ब्रशेस फ्रॉम जोयामी एंड इवन फ्रॉम अमेजोन, बट आई गेस इट्स अ बेटर डील टू बाय दोज ब्रशेस, बिकॉज यू विल गेट मोर ब्रशेस फॉर द सेम प्राइस, और आई गेस इट इज अवेलेबल for 700 or 800 rupees, and these brushes doesn't blend your makeup at all. So I also have these Real Technique brush set, and this is the basic brush kit. So this is for around 2400 or 2500, but I purchased this from Amazon for around 1200 or something, and these brushes blends your makeup like a dream. तो ये बेस्ट ब्रशेज हैं जो अभी तक मैंने यूज़ करे हैं, एंड स्पेशली दिस वन, दिस ब्लेंड्स योर फाउंडेशन वेरी नाइसली. मैंने अभी तक इतना अच्छा ब्रश नहीं देखा है जो आपके फाउंडेशन को इतने अच्छे से ब्लेंड कर सके, बिकॉज यूजुअली वी यूज़ ब्लेंडर्स और स्पंज टू ब्लेंड आवर फाउंडेशन, बट वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद द मेकअप ब्रशेज, बट दिस ब्रश ब्लेंड्स योर मेकअप वेरी वेल. आई जस्ट शो यू ऑन माई हैंड दैट हाउ इट ब्लेंड्स योर फाउंडेशन. So now I have blended the foundation with this brush from Forever 21. I know you cannot see on the camera, but I can see that it has not been blended that properly. हाथ की स्किन थोड़ी सी फ्लॉलेस होती है, मतलब कुछ आपके एक्ने या फिर कुछ पिंपल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए फाउंडेशन थोड़े ठीक से ब्लेंड हो गया, बट मेरे फेस पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिकॉज आई हैव एक्ने एंड आई ऑल्सो हैव लिटिल पिटेड स्कार्स ऑन माई फेस. सो दिस ब्रश डजेंट ब्लेंड माई फाउंडेशन दैट नाइसली ऑन माई फेस, एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस ब्रश. ये ऐसा लग रहा है जब आप दीवार पे पुताई करते हो तो उस ब्रश की हालत हो जाती है. जस्ट लुक एट दिस, हाउ बैड द कंडीशन इज. नाउ आई विल ब्लेंड द फाउंडेशन ऑन माय दिस हैंड विद दिस रियल टेक्निक ब्रश. सो नाउ आई हैव ब्लेंडेड द फाउंडेशन विद द रियल टेक्निक ब्रश, और ये वाला साइज ज्यादा फ्लॉलेसली ब्लेंड हुआ है, क्योंकि जो रियल टेक्निक के ब्रशेज हैं, ब्रिसल्स हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं. आप देखो ब्लेंड करने के बाद भी इसके ब्रिसल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसके आप ब्रिसल्स देखो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों का. इट्स माई सजेशन दैट डोंट गो फॉर फॉरएवर 21 ब्रशेज, दे आर जस्ट यूजलेस टू बाय. यू कैन ओनली पिक अप योर मेकअप विद दोज ब्रशेज, एंड रेस्ट देयर इज नो यूज ऑफ इट. यू कैन ट्राई द रियल टेक्निक ब्रशेज फॉर द सेम प्राइस. यू कैन ट्राई द ब्रशेज फ्रॉम जोया or from Amazon. You'll get the brushes for 700 to 800 rupees, and you'll get more brushes for that amount. And also if you want to buy the Real Technique brushes, they are for 2500, but you can check out Amazon, on and off sale is going on, so you'll get it for around 1200 if it is on discount. So time for the announcement of the L'Oreal giveaway winner. So the winner is Ansuka Dala Behera, and I'm sorry if I pronounce your surname incorrectly, and send me the details. I'll try to send the lipstick and the mascara as soon as possible. So that was all for today's video. I hope this video was informative and helpful, because people were asking me to review about Forever 21 makeup brushes. So if you like the review and if it was helpful, so give it a thumbs up and do subscribe my channel. I'll see you in my next video. Till then, take care, goodbye.